दोस्तों आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ भिंडी की एक बिल्कुल नई रेसिपी, वो भी फ्राइड आलू के साथ। बहुत बड़ों को तो पसंद आएगी ही, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, सभी मांग मांग कर खाएंगे आपसे। बिल्कुल ही डिफरेंट है और बनाने में बहुत इजी है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी भिंडी विद फ्राइड आलू। फ्रेंड्स, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल श्वेता क्लासिक क्विजिन्स पे। दोस्तों आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही टेस्टी और चटाकेदार सी रेसिपी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे इस सब्ज़ी के लिए हम, 2-3 चम्मच ले लीजिएगा। आधा चम्मच हम ले लेते हैं अजवाइन और आधा चम्मच हम ले लेते हैं जीरा। अब हम ले लेंगे राई और अब इन मसालों को हम लो फ्लेम पर स्प्लैटर होने देंगे। लो फ्लेम पर जब ये स्प्लैटर होंगे मसाले तो इनका जो फ्लेवर है वो बड़ा अच्छे से निकल कर आएगा। तो ये देखिए मसाले अच्छे से स्प्लैटर हो गए हैं हमारे। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें हमने अपने आलूओं को फ्राई करना है। तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई के चारों साइड ऐसे करके अपने ऑयल को ऐसे चारों साइड लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो आलू हैं वो इसमें चिपकेंगे नहीं जब हम फ्राई करेंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए हमारे जो मसाले हैं वो भुन चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने आलू। मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और अच्छे से इनको मैंने धोकर काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। इन आलूओं को हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और जब तक पकाएंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ना हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए हमारे जो आलू हैं, तब तक ऐसे चलाते रहेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए आलू जो हैं हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से, गोल्डन कलर आ गया है इन पर हल्का हल्का सा। हमने एक प्याज ले लिया है कटा हुआ मीडियम साइज का, अब हम इसको डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है 2-3। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को मत डालिएगा, स्किप कर सकते हैं आप। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, मैंने आधा किलो भिंडी ली थी, इनको मैंने धोकर सुखाकर और काट लिया है, इनको भी ऐड कर देते हैं इसमें। बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों ये भिंडी, इस तरीके से बनाएंगे तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो कर लेते हैं मिक्स, चलाते रहेंगे, चला चला कर इसको फ्राई करेंगे, हम इसको कवर नहीं करेंगे। अगर हम भिंडी को कवर कर देते हैं तो वो लिसली सी सी बन जाती है, कुरकुरी नहीं रहेगी, तो इसलिए आप इसको कवर मत कीजिएगा। इसको ऐसे ही हम अच्छे से 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। भिंडी का भी जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता, हल्की सी गोल्डन होने लगे तब तक इसको फ्राई करेंगे हम। और इसके लिए हम आंच को लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, हाई पर मत रखिएगा, लो टू मीडियम रखिएगा। भिंडी को अगर कवर कर देते हैं तो वो जो उसमें भाप बनती है ना, वो उस भाप से बिल्कुल ही लिसली सीजी हो जाती है, बहुत ही गंदा टेस्ट आता है उसका, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, कवर नहीं करेंगे। तो ये देखिए भिंडी भी हमारी अच्छे से जो है वो फ्राई हो गई है। तो इस स्टेज पर अब हम डालेंगे, 5-6 मिनट हो गए हैं भिंडी को पकते हुए, ऐसे ही चलाते हुए हमें 5-6 मिनट हो गए हैं, भिंडी का कलर जो है वो चेंज हो गया है।
तो अब हम इसमें ऐड करते हैं नमक। और डालेंगे थोड़ी आधा चम्मच हल्दी। मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें हम सिर्फ पहले नमक और हल्दी ही डालेंगे, बाकी के सब मसाले हम इसमें बाद में डालेंगे जब हमारी सब्जी तैयार होने वाली होगी। और अब हम इसको कवर करेंगे, कवर करके इसको पकाएंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अब कवर करके पकाएंगे थोड़ी देर, और बीच बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे भिंडी को। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हम ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लेंगे हम इसमें गरम मसाला, और 1 चम्मच ले लेते हैं हम देगी मिर्च। 1 चम्मच हम देगी मिर्च ले लेंगे, बड़ा ही अच्छा कलर आएगा इस सब्जी का। और 1 चम्मच हम ले लेते हैं अमचूर। अमचूर को हम ऐसे हाथों से डालेंगे, देखिए इसमें ऐसे ऐसे थोड़े तो होता है थोड़ा, तो इसलिए ऐसे करके डालिएगा। अगर कोई भी गांठ मुंह में आ जाती है तो बहुत ही गंदा लगता है। अब करते हैं इसको मिक्स अच्छे से। दोस्तों इतनी बढ़िया ये सब्जी बनकर तैयार होगी ना, खाकर मज़ा आ जाएगा इसको, बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल चटपटी मसालेदार, और सभी को बहुत पसंद आती है, बड़े हों बच्चे हों कोई भी इस सब्जी को नहीं छोड़ेगा। और रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ आप चाहें इसको आप सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए बन चुकी है हमारी सब्जी, आलू जो है वो पक चुके हैं देखिए, और जो भिंडी है ये भी पक गई है हमारी। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है वो बन चुकी है। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और अपनी सब्जी को सर्व करते हैं। आलू गल गए हैं अच्छे से, भिंडी भी गल गई है। तो ये लीजिए तैयार है हमारी भिंडी की सब्जी, वो भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आलू के साथ। तो आप भी बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ आप चाहें। मैं तो इसको रोटी के साथ ही लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।